नमस्कार दोस्तों, जय श्री एक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिशियन के जो टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें हम आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से जो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस ही जुड़ रखा हो तो उसका सर्किट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज और करेंट फेज का रिलेशन उनमें क्या होगा दोस्तों, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों वो देखिए जरूर जाके। आज हम दोस्तों जो पढ़ेंगे वो है कि सर्किट में जब केवल इंडक्टेंस एल जुड़ रखा हो तो सर्किट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज करंट और काउंटर ईएमएफ जो होते हैं इनके बीच में क्या फेज रिलेशन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे जैसे ये सर्किट में आर जुड़ेगा, उसके बाद एल है दोस्तों, भी सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं, फिर कैपेसिटर का आएगा, फिर इसके साथ ये तीनों जो है पैरेलल सीरीज, दो दो पैरेलल सीरीज के जुड़ेंगे। जैसे जैसे वीडियो दोस्तों जो है और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा, आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए दोस्तों और समझिए ये क्या क्रोनोलॉजी होती है, ये क्या काम करते हैं या ये कैसे वर्क करते हैं, ये आगे आने वाली मशीनों में आपके लिए जो फेस डायग्राम बनेंगे तो दोस्तों वहाँ ये बहुत ही जो है उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि जब सर्किट में इंडक्टेंस जोड़ रखा हो, केवल इंडक्टेंस हमने जोड़ रखा हो तो सर्किट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, हमने या वोल्टेज सोर्स हमने जो है ऐड कर लिया, ये इंडक्टेंस हमने जोड़ लिया। अब दोस्तों इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या करता है। दोस्तों किसी भी सर्किट में, अब सर्किट में दोस्तों करंट है तो हमने लेंस लॉ पढ़ा था कि करंट जो होता है दोस्तों हमेशा एसी सर्किट, ये देखिए हमने एसी का वोल्टेज सोर्स जोड़ रखा है तो करंट की प्रवृत्ति क्या होगी, हमेशा बदलते रहने की, करंट जो है हमेशा बदलती रहेगी। और दोस्तों जो ये करंट जब बदलेगी तो इसके अंदर जो इंडक्टेंस है वो क्या करता है दोस्तों, लेंस के लॉ के हिसाब से इस बदलती हुई करंट का दोस्तों विरोध करता है। सबसे पहले पॉइंट तो जो है हमको ये ध्यान रखना है कि करंट बदलेगी और इंडक्टेंस जो है इस करंट के बदलने का, या जो अल्टरनेटिंग करंट होगी उसके बदलने का दोस्तों विरोध करता है हमेशा। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जिस सर्किट में इंडक्टेंस जुड़ रखा है वहाँ दोस्तों चेंज होने वाली जो मुख्य क्वांटिटी या कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं या कौन कौन से ऐसी चीजें जो यहाँ बदलती रहती है। तो दोस्तों पहले देख लीजिए अप्लाइड वोल्टेज, हमने एसी दे रखा तो अप्लाइड वोल्टेज जो है ये बार बार लगातार इसमें बदलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों इंड्यूस बैक ईएमएफ जो है दोस्तों वो बदलती रहेगी क्योंकि करंट लगातार परिवर्तन करेगा तो इसके कारण ईएमएफ जो है बनेगी, जिसको काउंटर ईएमएफ कहते हैं, और करंट बदल रहा है तो ईएमएफ भी यहाँ बदलेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सर्किट करंट, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि ये बदल रहा है। अब दोस्तों हम इसके अलावा फेज रिलेशनशिप की बात कर लें, वोल्टेज और जो करंट के अंदर जो फेज रिलेशन कितना होता है, ये समय के अनुसार जो है एक दूसरे से कितने आगे पीछे रहते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और बात कर लेते हैं कि इस सर्किट में देखिए दोस्तों, जो वोल्टेज सोर्स लगा रखा उसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो हमने कनेक्टिंग लीड लगा रखी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये दोस्तों इंडक्टेंस की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको नगण्य मानते हुए दे सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में जो है केवल इंडक्टेंस का प्रभाव ही पड़ेगा। अब हम फेज रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम फेज रिलेशन क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि काउंटर ईएमएफ जो बैक ईएमएफ है दोस्तों वो मैक्सिमम होगी। अब देखिए दोस्तों बैक ईएमएफ किस पे निर्भर कर रही है, करंट के बदलने पे, और जब करंट बहुत तेजी से या ज्यादा जब बदल रहा होगा तो उस टाइम काउंटर ईएमएफ है वो भी मैक्सिमम होगी, वो भी मैं आपको जो है इसमें वेवफॉर्म के डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि बनने वाली बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ जो है अधिकतम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब करंट जो है दोस्तों वो चेंज हो रहा, वो ज्यादा चेंज हो रहा, और जीरो कब होगी, जब करंट में बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहा। दोस्तों हम पहले ये देख लेते हैं करंट और बैक ईएमएफ के बीच में या काउंटर ईएमएफ के बीच में रिलेशन। देखिए दोस्तों हम इस पॉइंट की बात करें जीरो की, तो जीरो से देखिए दोस्तों जो है करंट जो है बदलना स्टार्ट करेगा और कहां तक बदलेगा, 90 डिग्री, इस पोजीशन तक जो है ये इसमें मैक्सिमम चेंजेस हो रहा है। तो दोस्तों यहां देखिए जो ये वेव फॉर्म मैंने बना रखी वो करंट की है और ये वेव फॉर्म जो बना रखी ऊपर वो बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ की, तो करंट यहां से जो है मैक्सिमम ये चेंज होना स्टार्ट करेगा दोस्तों, यहां तक मैक्सिमम जाएगा, तो यहां पे जो बैक ईएमएफ है वो भी दोस्तों मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम कहां जाएगी दोस्तों, 90 डिग्री तक आता है तो ये पॉजिटिव में आगे देखा जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों इस जगह जो है बैक ईएमएफ का ये आ रहा है, ये जीरो है, ये जीरो क्योंकि इस वाली पोजीशन पे हम बात कर लें तो यहाँ करंट में जो बदलाव है दोस्तों वो बिल्कुल न्यूनतम होता है, बिल्कुल कम होने वाला है, इसलिए यहाँ जो बैक ईएमएफ है दोस्तों वो भी क्या होगी, बिल्कुल ही कम होगी। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से करंट में परिवर्तन जो है फिर से हो रहा है, 90 डिग्री के बाद फिर से जो है धारा में बदलाव हो रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से बदलाव होते होते 180 डिग्री तक आएगा, तो इसका हम देखेंगे तो यहाँ से ये बैक ईएमएफ पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में बढ़ती हुई यहाँ 180 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद हम देख रहे थे दोस्तों यहाँ से करंट का जो परिवर्तन है
वो दोस्तों बिल्कुल से जो है फिर से जीरो हो गया, तो ये बैक ईएमएफ है पॉजिटिव या उल्टी दिशा में जो है मैक्सिमम होगी। उसके बाद हम देखेंगे करंट फिर से ये चेंज होना स्टार्ट करेगा, तो हमारी बैक ईएमएफ जो है फिर से बदलना स्टार्ट करेगी। तो ये कहीं कहीं पॉइंट है जहाँ फेज का रिलेशन है करंट और बैक ईएमएफ के, करंट ज्यादा चेंज हो रहा है तो बैक ईएमएफ भी ज्यादा होगी, करंट कम चेंज हो रहा है कम बदल रहा है तो बैक ईएमएफ भी हमारा बिल्कुल नहीं बदलेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि काउंटर ईएमएफ की जो है दिशा कैसे होती है, तो वो दिशा लेंस के नियम के हिसाब से क्या होती है दोस्तों, हमेशा इसका विरोधी करती है। उसके बाद हम बात कर लेते दोस्तों कि करंट में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन करंट, करंट में जो है दोस्तों परिवर्तन ज्यादा होगा कहाँ पर, जहाँ स्लोप ज्यादा है। तो ये स्लोप कहाँ का है देखिए दोस्तों, एक तो जीरो डिग्री पे ये देखिए दोस्तों, ये स्लोप ये जीरो डिग्री पे ये ज्यादा है, फिर ये यहाँ से वापस ये इसका जो ढलान है स्लोप है 180 पे ज्यादा है। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं 360 पे, ये करंट का जो है 360 पे ये ढलान ज्यादा है, तो जहां जहां करंट के जो स्लोप है ढलान ज्यादा होंगे वहां बैक ईएमएफ भी दोस्तों ज्यादा होंगे। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, 0 डिग्री 180 डिग्री और 360, 0 डिग्री 180 और 360 है करंट का जो है ढलान मैक्सिमम है स्लोप मैक्सिमम है, इसलिए बैक ईएमएफ भी मैक्सिमम होंगे। उसके बाद हम दोस्तों कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं, 90 डिग्री हो गया 270 डिग्री हो गया, यहाँ करंट जो है बिल्कुल कम चेंज हो रही है। देखिए ये 90 डिग्री पे ये वाला हिस्सा ये करंट यहाँ बिल्कुल कम बदल रही है। फिर उसके बाद हम 270 पे देखें तो दोस्तों ये देखिए ये भी यहाँ लगभग स्थिर हो जाती है, करंट का जो है चेंजेस जो है बहुत कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो दोस्तों काउंटर ये है कुछ भी नहीं बनेगी। आप 90 डिग्री पे देख सकते हो तो ये जीरो है दोस्तों, यहाँ देखिए इस हिस्से पे ये बैक ईएमएफ जीरो है, और 270 पे भी देखे तो हमारी ये बैक ईएमएफ जीरो है, तो ये दोनों यहाँ होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जीरो डिग्री पे करंट जो है जीरो से पास हो रहा होता है दोस्तों, ये करंट की हम बात कर लेते हैं, ये जीरो से जो है गुजरना होता है, लेकिन क्या होता है ये धनात्मक पॉजिटिव दिशा में ऊपर की डायरेक्शन में ये जा रहा होता है, तो इस टाइम क्या होता है दोस्तों काउंटर ईएमएफ है जो मैक्सिमम होगी, लेकिन क्या होगी उल्टी दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन जैसे जैसे ये करंट यहाँ बढ़ते जाता है तो ये क्या होता है दोस्तों धनात्मक की ओर जा रही होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों इसमें की जो काउंटर ईएमएफ है दोस्तों वो करंट से जो है 90 डिग्री पीछे रहती है, ये देख लीजिए दोस्तों हम यहीं की बात करें तो कि इसका मतलब हो गया कि करंट जो है दोस्तों जीरो पे है तो बैक ईएमएफ मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है तो बैक ईएमएफ जीरो है, फिर या बैक ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट फिर जीरो हो गया। तो दोस्तों ये करंट जो है वो इस बैक ईएमएफ से जो क्या होता है 90 डिग्री पीछे रहता है, मतलब ये पीछे रहती है इस करंट से 90 डिग्री, मतलब बैक ईएमएफ की बात कर ले तो करंट से क्या होती है दोस्तों 90 डिग्री लैग करती है पीछे रहती है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बात कर ले कि जो इसमें अप्लाइड वोल्टेज जो है वो जो 180 डिग्री जो है इसके साथ काम करता है। तो दोस्तों अप्लाइड वोल्टेज की बात आई तो हम ये बात कर लेते हैं कि जब ये करंट जीरो था तो अप्लाइड वोल्टेज दोस्तों मैक्सिमम था, फिर जैसे जैसे करंट इधर बढ़ रहा है तो अप्लाइड वोल्टेज घट रहा है, और यहाँ आप आके देखोगे तो ये जहाँ करंट जीरो वहाँ अप्लाइड वोल्टेज फिर मैक्सिमम है। तो इन दोनों की हम बात करें तो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज जो है करंट से दोस्तों 90 डिग्री जो है आगे ये काम कर रहा है, यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हम दोस्तों तीसरे फेजर डायग्राम में जहाँ हमने वोल्टेज की भी बना दी, करंट की भी बना दी और बैक ईएमएफ की भी जो है हमने तीनों वेवफॉर्म बना दी, तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोस्तों ये हमारा करंट की वेवफॉर्म होगी, ये वोल्टेज की होगी। तो वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज और करंट की हम बात कर रहे हैं तीर का निशाने से बताऊंगा 90 डिग्री आगे है, और बैक ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं ये करंट से दोस्तों 90 डिग्री पीछे है, तो ये दोनों। अब हम इन दोनों के अगर रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में दोस्तों फेज अंतर कितना हो गया 180 डिग्री का, ये चीज जो है यहाँ समझने वाली है कि किस किस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर लूँ आपके लिए कि ये क्या होता है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि बैक ईएमएफ जो होती है वो तो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, बैक ईएमएफ करंट से क्या होती है दोस्तों 90 डिग्री पीछे, और वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जो होता है दोस्तों वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। और वोल्टेज और बैक ईएमएफ की हम बात करें दोस्तों ये आउट ऑफ फेज होती है एक दूसरे से, दोस्तों 180 डिग्री के अंतर पे होती है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला हिस्सा देखिए आप कि जो इसमें दोस्तों अप्लाइड वोल्टेज इस जगह है तो हमारे जो बैक ईएमएफ है वो इस जगह है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये होता है दोस्तों 180 डिग्री, जिसको कहते हैं आउट ऑफ फेज, फेज में ये नहीं है। उसके बाद करंट और वोल्टेज की जो मैंने आपको बताई थी दोस्तों, यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता क्या है दोस्तों, हमने जब हम सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं तो सिंगल फेज पढ़ते हैं, थ्री फेज पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर कोई पूछ ले कि फेज क्या होता है, हमको फेज की जानकारी चाहिए, केवल आप फेज के बारे में बताओ कि इस फेज का क्या यहाँ मतलब होता है। तो दोस्तों कोई भी दो बदलने वाली क्वांटिटी दोस्तों वो जीरो से गुजरने के बाद जो है
अपना अपना जो मैक्सिमम है दोस्तों वो कब प्राप्त करते हैं, अपने अधिकतम मान तक वो कब पहुंच दिए, कब जीरो से वो गुजरने के बाद। तो दोस्तों उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो फेज डिफरेंस कहलाता है। अब दोस्तों हम सिंपल फेज का अगर हम बात करें कि फेज क्या होता है, तो दोस्तों इसका अगर हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि अवस्था, मतलब कि पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के बीच में क्या अंतर है, ये टाइम के साथ जो है दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू अपने कब प्राप्त करते हैं वो फेज डिफरेंस कहलाता है दोस्तों। अब इसमें फेज डिफरेंस की हम बात करें तो दो प्रकार का आता है दोस्तों, या तो आता है टू लीड, मतलब लीड मतलब आगे जिसको दोस्तों अग्र कहते हैं, और दोस्तों लैग बिहाइंड मतलब पीछे रहना जिसको पश्चिम कहते हैं। हम बात कर ले इसका मतलब होता है आगे, अगर हम सिंपल बात करें तो इसके बात कर रहा था दोस्तों ये होता है पीछे। अब दोस्तों कोई दो क्वांटिटी है तो कोई किसमें जो अगर इन फेज होगी, फेज में होगी तो दोस्तों उसमें कोई भी आगे पीछे जो नहीं होती, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ रखा हो तो करंट और जो रेजिस्टेंस दोस्तों वो इन फेज होते हैं, वो केवल फेज में होता है जहाँ वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदल रही हो दोनों के बीच में जो है अंतर 0 डिग्री होता है। लेकिन हम इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ दोस्तों जो हो सकता है इसमें चेंज हो, या हम जब थ्री फेज की बात करें दोस्तों, तीन फेज की बात करें तो ये थ्री फेज होता क्या, इसमें एक दोस्त जो है कितने से अंतर रहता है, तो दोस्तों उसमें दो चीजें आती है कि लीड मतलब आगे रहना और लैग मतलब पीछे रहना। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमने दो ग्राफ बना रखे, ये देखिए आई वन की जो क्वांटिटी दोस्तों वो जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पे जा रही है, और उस टाइम जो I2 की वैल्यू दोस्तों वो स्टार्ट होना मतलब वो आगे प्रारंभ हो रही बन रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मतलब इसका जीरो से ये स्टार्ट हो रही है, ये जीरो से यहाँ हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब पहला वाला I1 जो है ना मैक्सिमम पे पहुंच चुका था तब I2 जो शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में I1 और I2 के बीच में फेज अंतर कितना हो गया दोस्तों 90 डिग्री का। अब हम इसको पढ़ेंगे किसी लैंग्वेज में, तो दोस्तों याद रखना जो पहले शुरू हुई है वो हमेशा आगे रहेगी, जो बाद में शुरू हुई है वो पीछे रहेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पहले शुरू क्या हो रहा है I1, तो I1 जो है दोस्तों लीड हो रहा है किससे, I2 से, ये जो करंट दो है इससे आगे है, कितना आगे है 90 डिग्री से, ये हमें यहीं से दिख रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, या हम इसको ये कह सकते हैं कि I2 जो है I1 से 90 डिग्री पीछे है। तो दोनों यहाँ टर्म्स यूज कर सकते हैं, या तो I1 I2 से 90 डिग्री आगे, या इसका उल्टा कह दो I2 जो है I1 से 90 डिग्री पीछे, दोनों ही चीजें यहाँ कही जा सकती है। वही दोस्तों हम यहाँ वोल्टेज की बात कर ले, एक और ग्राफ बन रखा है इसको देखिए आप, ये इसमें दे रखा है, ये वोल्टेज दे रखा है इस ग्राफ पे, इसी के टाइम दे रखा है। हम टाइम की बात करें दोस्तों देखिए I E1 जो है वो यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर ये मैक्सिमम होकर वापस जीरो पे आ गया दोस्तों, तब जाके कहीं E2 जो है स्टार्ट हो रहा, जो वोल्टेज जो दूसरा है वो स्टार्ट हो रहा। तो हम देख रहे थे इसके स्टार्टिंग में, इसके स्टार्टिंग में कितना अंतर हो गया 180 डिग्री का, ये समय के साथ बात करें तो 180 डिग्री का जो है दोस्तों डिफरेंस है। अब हम इसमें कह सकते हैं दोस्तों पहले कौन सा शुरू हुआ, हमेशा ये ध्यान रखें E1 स्टार्ट हुआ, तो E1 जो है दोस्तों E2 से कितना 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री लीड कर रहा है E1, या हम यूं कह सकते हैं कि E2 जो है E1 से 90 डिग्री पीछे रह रहा है। तो ये सिस्टम दोस्तों चलता है। अब हम दोस्तों इसके ग्राफ की बात कर ले कि ग्राफ जो है दोस्तों कैसे बनेगा, मतलब लीड को हम कैसे दर्शाए, लैग को हम कैसे दर्शाए। तो दोस्तों देखिए ये जो ग्राफ यहाँ बना रहा है, x एक्सिस पे मैंने I1 ले रखा है, x2 पे जो है मैंने I2 ले रखा है, वैसे ही तो इधर कर रखा है। दोस्तों इसमें ध्यान रखिए घड़ी की दिशा में, हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी कैसे चलती है क्लॉकवाइज, मतलब ये इस दिशा में चल रही है। तो इस दिशा में तो दोस्तों हम जो शब्द यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेग का, और अगर घड़ी की दिशा उल्टी दिशा में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए हम दोस्तों यूज करेंगे लीड, मतलब आगे है, और ये लेग, ये दोस्तों क्लॉकवाइज हो गया, और इसके हम बात करें तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अब दोस्तों यहाँ बात कीजिए देखिए, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में हम लीड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं I2 जो है I1 से दोस्तों लीड कर रही है, आगे ले रही है 90 डिग्री, और हम दोस्तों इधर हम बात कर ले घड़ी की दिशा में तो दोस्तों यहाँ हम लेग यूज करेंगे कि I1 जो है I2 से दोस्तों 90 डिग्री जो है पीछे ये काम करें। इसके बाद हम दोस्तों इधर देख ले यहाँ I2 और I1, तो दोस्तों ये देखिए ये थीटा किधर बन रहा है, नीचे की साइड, तो इस कारण क्या होगा, या तो हम कह सकते हैं I2 जो है I1 से थीटा डिग्री से लीड कर रही है, या हम कह सकते हैं I1 जो है I2 से 90 थीटा डिग्री से दोस्तों पीछे है। मतलब अगर हम घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो हम लीड शब्द का यूज करेंगे, और अगर हम घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा में जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोस्तों इस टाइम हम लेग का यूज करेंगे, हम जब इधर आ रहे हैं। तो ये इसमें दोनों चीजें होगी। अब इसके दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्शंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी यहाँ जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, ये क्या काम करता है, कहाँ काम है, क्या चीज है इसके, तो दोस्तों सबसे पहले तो सिंबल देखिए इसको एक्सेल से दर्शाते हैं। अब दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस की हम बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बनने वाली काउंटर ईएमएफ है, तो ईएमएफ हमको पता है कि हम इसको वोल्टेज के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन
काम तो इसका जो है करंट के जो बैन है का विरोध करना है काउंटर ईएमएफ का। तो इसके साथ अगर हम कंपैरिजन वाइज देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस भी क्या करता है दोस्तों करंट के प्रवाहित होने का विरोध करता है और काउंटर ईएमएफ भी जो है विरोध करती है। लेकिन हम ओम के नियम के सापेक्ष बात करें तो वोल्टेज को हम जो है रेजिस्टेंस के रूप में नहीं रख सकते, इसलिए जो हमारे जो काउंटर ईएमएफ है दोस्तों वो रेजिस्टेंस की तुलना में नहीं रखी जा सकती। लेकिन काउंटर ईएमएफ का जो प्रभाव है इसका जो इफेक्ट है जो कहलाता है दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो काउंटर ईएमएफ का जो दोस्तों इफेक्ट है जो प्रभाव है वो कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जिसको हम ओम के नियम के सापेक्ष में रेजिस्टेंस की तुलना में रख सकते हैं कि वहां ओम के नियम में जहां जहां आर रख रखा था वहां हम आर की जगह क्या कर रहे हैं एक्सएल रख दे, इंडक्टिव रिएक्टेंस रख दे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन काउंटर ईएमएफ को हम सीधे रेजिस्टेंस को और नहीं रख सकते। अब हम दोस्तों बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा ग्रीक लेटर है, ग्रीक जो है ये लेटर जो यूज हो रहा है, और इसके साथ हम इंडक्टेंस एल यूज कर लेते हैं। और ओमेगा जो यहाँ क्या दर्शा रहा है दोस्तों करंट में कितना परिवर्तन हो रहा है, करंट में कितना चेंज हो रहा है वो चीज दर्शा रहा है। अब दोस्तों ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एफ, और इसके साथ एल हम यूज कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें अगर एल की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 पाई एफ जो एक्सएल के नीचे चला जाएगा और 2 2 और 22 ये 3.14 3.14 को अगर हम गुणा करें दोस्तों ये आ जाएगा 6.28। तो यहाँ 2 पाई की जगह हम 6.28 भी रख सकते हैं एफ। अब इसके बाद आप दोस्तों इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो, अगर हमको एफ का निकालना हो वैल्यू तो ऐसी तरह जाएगा एल नीचे आ जाएगा जो इसमें, तो ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये भी टफ नहीं है, एक याद रहेगा तो दूसरा रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें ओम के नियम से जो है हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम रेजिस्टेंस आर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं एक्सएल से, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो ओम का नियम हमको लिखना क्या है, उसमें क्या होता था दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ, रेजिस्टेंस में वी इक्वल टू आई आर, तो हम आर की जगह एक्सएल करते हैं, तो वही ये एल हमने डिनोट कर दिया कि ये एल के लिए यूज हो रहा है या आर के लिए, तो वी इक्वल टू आई आर। अब दोस्तों इसमें हमको अगर आई की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा वी बटे आर, अगर यहाँ हमको आई एल की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा वी एल बटे एक्सएल, ये सेम वैसे के वैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ अगर आर की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा वी बटे आई, और इधर हम इसमें बात करें दोस्तों हमको एक्सएल की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा वी एल अपॉन आई एल। तो दोनों सेम ही है लेकिन हम वहाँ काउंटर ई एम एफ की बजाय काउंटर ई एम एफ के प्रभाव को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, और वही क्या कहलाता है दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस ये कहलाता है। दोस्तों आगे हम यहाँ बात कर लेते हैं कि पावर प्योर इंडक्टिव सर्किट में दोस्तों पावर क्या होता है। उससे पहले हम एक चीज जो दोस्तों जान लेते हैं कि इसमें दोस्तों वोल्टेज और करंट है इन दोनों के बीच में दो है दोस्तों 90 डिग्री का जो है फेज अंतर होता है, 90 डिग्री का ये अंतर होता है। और हमको पता है दोस्तों पावर जो है वोल्टेज और करंट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपस में गुणा करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा, तो इसका हम चित्र बना लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास जो ये नीचे जो एक जो वेव फॉर्म बन रही है ये करंट की है, उसके बाद दोस्तों एक वेव फॉर्म जो ये ऊपर से जो आ रही है दोस्तों वोल्टेज की है। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ जो है ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ से जो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू, मतलब करंट जीरो होता है तब भी वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इन दोनों का दो प्रोडक्ट है दोस्तों। जो पावर है वो दोस्तों हम देखेंगे तो दोस्तों देखिए जब आधी साइकिल, ये देखिए दोस्तों ये करंट की यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, लेकिन ये आधी की हम बात करें, ये पूरी की भी जो आधी की हम बात करें एक चौथाई हिस्से की, तो दोस्तों इसमें क्या होता है ये पावर जो है मैक्सिमम होता है दोस्तों। अब ये जो एनर्जी है ये जो पावर होता है दोस्तों वो जो है इंडक्टेंस को जो मिल रही है, इंडक्टेंस को मिलती है मतलब सोर्स से। उसके बाद हम दोस्तों ये जो पावर इस एनर्जी की बात कर लेते हैं, ये पावर या एनर्जी जो आधी साइकिल में नीचे की ओर है दोस्तों ये जो है वापस जो इंडक्टेंस सोर्स को दे रहा है, वापस वोल्टेज सोर्स को ये दे रहा है वो है। तो ये दोनों नीचे वाले हिस्से वही है दोस्तों जो इंडक्टर एनर्जी वापस दे रहा है सोर्स को, और ऊपर वाले दोनों हिस्सों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो सोर्स से जो एनर्जी वो है इंडक्टर को मिल रही है। अब इसके बाद हम दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव पावर, मतलब ये ऊपर ऊपर वाले हिस्से हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सोर्स से जो एनर्जी है वो इंडक्टर को मिल रही होती है। और हम दोस्तों इस जीरो ये हमारा जो एक्स अक्ष है उसके नीचे बात कर ले नेगेटिव जो पावर है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है दोस्तों जो कॉइल में इंडक्टिव कॉइल में या इंडक्टेंस में इंडक्टर में दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो दोस्तों जब वापस बिगड़ रहा होता है जब बैक ईएमएफ बनती है, तो ये वहां का पावर है दोस्तों हमको ध्यान रखना है नेगेटिव पावर में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम क्या होता है दोस्तों इंडक्टेंस में जो या इंडक्टर में स्टोर हो रही होती है एनर्जी, तो वो पॉजिटिव पावर कहलाता है। अब हम दोस्तों यहाँ एवरेज पावर की बात कर लेते हैं, औसत पावर की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों इसके बीच में अंतर चल रहा है कुछ ना कुछ फेज अंतर, इसलिए हम कॉस फाई लेंगे, यहाँ कॉस फाई जो है दोस्तों ये वाला हिस्सा दोस्तों पावर फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर।
ये हमारा पावर फैक्टर हो गया, तो इनके बीच में कितना अंतर चल रहा था हमको पता है दोस्तों। यहाँ फाइल का जो है अंतर आप देख लीजिए, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का होता है, कॉस 90 की हम बात करें तो 0 मान होता है। अगर ये हम यहाँ रख ले दोस्तों इस पूरे को 0 कर देगा, इसका मतलब इंडक्टर जब जुड़ा होता है सर्किट में तो वहाँ औसत पावर, औसत शक्ति या एवरेज जो पावर है दोस्तों वो 0 होती है, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात कर ले कि जब ये 0 होती है तो कौन सी पावर होती है, तो वो पावर होती है दोस्तों रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जो हम यहाँ यूज करेंगे। अब दोस्तों इसमें कि हम यहाँ बात करें तो दोस्तों देखिए ये जो पूरी साइकिल होगी हमारे पास, ये इसका आधा हिस्सा ही मान दो, लेकिन आधे हिस्से में तो ये वाली पावर तो दोस्तों पॉजिटिव है, ये तो हमारे काम आ ही सकती है। अगर आधे हिस्से में भले हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, फिर इस आधे हिस्से में बात कर रहे तो ये आधे आधे हिस्से में भी जो पॉजिटिव पावर है दोस्तों, इस पॉजिटिव पावर को जो है हम रिएक्टिव पावर के रूप में यूज कर सकते हैं। हम सारी पावर को यहाँ जीरो नहीं कर सकते कि एवरेज जीरो हो जाती है दोस्तों। देखिए ये पॉजिटिव है, पूरी आधी साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बराबर आपस में कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया, तो एवरेज पावर तो जीरो हो सकती है, लेकिन हम आधे आधे की तो बात कर ही सकते हैं ना, इस आधे का इस आधे का क्या, तो ये दोस्तों रिएक्टिव पावर होती है। अब इसकी हम बात करें दोस्तों रिएक्टिव पावर को जो कैसे दर्शाएंगे, तो हमने यहाँ पी के नीचे क्यू लिख दिया जो रिएक्टिव को दर्शाएगा, पी क्यू इक्वल टू वी एल और आई एल। अब दोस्तों यहाँ इसका मात्रक आप देख सकते हैं, हम अलग अलग लिख देंगे वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव, जिसको वी ए आर भी कहते हैं। हम यहाँ दोस्तों जो है वॉट का यूज उपयोग नहीं करेंगे, वॉट नहीं लिख सकते, वॉट हम इस पावर के लिए लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्टिव पावर में कभी भी हम वॉट का उपयोग नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। अब वी एल की हम बात करें दोस्तों, आई एल एक्स एल इसकी वैल्यू होती है, ये उठा के आप यहाँ रख दो, एक आई एल या एक आई एल पहले से है, तो आई एल का स्क्वायर हो गया, जो इंडक्टर में जो करंट है उसका स्क्वायर हो गया, एक्स एल इसके साथ ही है। इसके जो मात्रक फिर से देखिए हमने लिखा वी ए आर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यहाँ हमने जो है इसका यूज नहीं किया है वॉट का। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा टॉपिक दोस्तों, जो इंडक्टर जब सर्किट में जुड़ रखा होता है या सर्किट में केवल इंडक्टेंस होता है, तब सर्किट के ऊपर बीच में पावर वोल्टेज ईएमएफ इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हमने सारा पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी इसमें प्रॉब्लम रह जाती है दोस्तों, नहीं समझ में आता आपको, तो आप कमेंट करें, मैं आपको फिर से ये दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उससे ये जो दोस्तों इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।